नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। यह एडिटोरिया पब्लिकेशन का 11वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जनसन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है अभिलेखों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को ईपिग्राफी कहते हैं, जबकि न्यूमिसमैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन और पेलियंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन। अगला सवाल है, किस युग में मनुष्य ने अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ किया? तो मनुष्य में जो है अस्थाई निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण युग में हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में यानी कि किन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है दक्षिण भारत के जो शासक हैं, जैसे कि चोल, चेर, पांडे, यानी इन सबों का उल्लेख मिलता है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में जो अगर देखा जाए तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती और सर्वाधिक वर्णित नदी तो वो हो जाएगा सिंधु, लेकिन गंगा का जो है वर्णन केवल व केवल एक बार ही किया गया है। तो गंगा का वर्णन एक बार, जबकि यमुना का वर्णन रहेगा तो हो जाएगा तीन बार। अगले प्रश्नों को देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी? तो वैवाहिक संबंधों की जानकारी आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के जो हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, यह जानकारी एपियानस ने वर्णन किया इसका। अगला सवाल है, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्नि मित्रम, तो मालविकाग्नि मित्रम के नायक अग्निमित्र, तो अग्निमित्र जिसमें जो है नायक रहे थे, तो इसका संबंध कहा जा रहा है कि किस वंश से था? तो इस ये जो है शुंग वंश से रहा था। अगले सवालों को देखा जाए, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो ये जियाउद्दीन वर्णी का ऐसा मानना था। अगले प्रश्नों को देखें, इटली के यात्री निकोलो दी काउंटी ने भारत का यात्रा किया था, तो विजयनगर साम्राज्य में आया था देवराय प्रथम के दरबार में। अगर बात करें अब्दु रज्जाक जो कि फारस का था, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। नोनिज अचूत राय के दरबार में आया था, और बारबोसा जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, और इसके साथ रहा था डोमिंगस पायस। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था? तो तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, जिसमें जो है जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, और इसी जो है युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया है, तो इसमें बरार जो है एक संघ सम्मिलित नहीं था, बाकी गोलकोंडा, अहमद, बिदर ये सब सम्मिलित था। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? आपको पता है कि तुलसीदास अकबर के दरबारी कवि रहा करते थे, तो ये इन्हीं के शासनकाल में किया था। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था वह द्वैतवाद पर। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की जो है स्थापना एमजी रेनाडे, महादेव गोविंद रेनाडे के द्वारा किया गया था, और ये मद्रास में जो हुआ था 1887 में। अगला सवाल को देखा जाए, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादक के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि द हिंदू के संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, और केसरी बाल गंगाधर तिलक,
और फिर बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो इन विद्रोहों में जैसे कि बंगाल का सिपाही विद्रोह दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है बेल्लोर का जो है सिपाही विद्रोह, और फिर उसके बाद है कच्छ का विद्रोह, और फिर कोल विद्रोह दिया गया है। तो इस सबों में कहता है सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था, तो दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा सबसे पहले जो है बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, और उसके बाद बता दें कि बेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये 1806 ईस्वी में हुआ था, और फिर कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था, और फिर कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। इस प्रकार से आपका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, 1857 की क्रांति के विकास का सही कालक्रम क्या है? तो 1857 के विकास का जो है सही कालक्रम देखा जाए, यानी कि ये जो है कहाँ से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो बात करें सबसे पहले प्रारंभ होने की, तो दिल्ली से हुआ था 17 मई को दिल्ली से हुआ था, और फिर लखनऊ से 4 जून को हुआ था, दिल्ली से 17 मई को, लखनऊ से 4 जून को हुआ था, और कानपुर से 5 जून को हुआ था, और फिर इलाहाबाद से 6 जून को। तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो ऐसा बात जो है बोलने वाले थे टेलर और आउटराम। अगले सवाल को देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और ये बम्बई में हुआ था, और प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है बिमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो ये गुवाहाटी 1926 में हो रहा था, जिसमें श्रीनिवास अयंगर के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, जिसमें कांग्रेस सदस्य के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार किसे माना गया है? तो लॉर्ड मिंटो को माना गया है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज़ों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? तो इंडियन सिविल सर्विसेज से जो है बर्खास्त किया गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, क्योंकि इन्हीं का पहले चयन हुआ था और इन्हें फिर हटा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं था? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की बात करें तो यह स्थापना जो है 1884 ईस्वी में किया गया था, जिसमें सुब्रमण्यम भी थे और फिर देखा जाए तो आनंद चार्लू भी था, और फिर देखा जाए तो M.G. रनाडे, तो ये जो है M.G. रनाडे इसके अंतर्गत नहीं था, और बी राघवाचारी था, यानी कि सी विकल्प जो है गलत है, ये इसमें नहीं था। अगला सवाल है, कांग्रेस के जनक A.U. ह्यूम के बारे में किसने कहा है कि A.U. ह्यूम जो है स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था, ऐसा कथन करने वाले थे लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये घटना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिसमें पुलिस स्टेशनों की जला दी गई थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिसमें थाने इंचार्ज भी थे, तो इसी घटना को बताया था। इसके बाद जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला सवाल, न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, तो ये लेखमाला थे अरविंद घोष। अगले प्रश्न को देखें, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो पेरिस जो भेजा गया था वह था P.N. बापट। अगले प्रश्न को देखा जाए, मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था अस्टवर्ट जर्मनी में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो विभाजन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वह किस कारण से?
तो देखा जाए तो कांग्रेस में आंदोलन के उद्देश्य से भी हुआ था, उद्देश्य पर, और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और कांग्रेस आंदोलनों के नेतृत्व पर हुआ था, और फिर कांग्रेस आंदोलनों की रणनीति पर भी हुआ था। यानी कि इसमें से हो जाएगा ई आंसर इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वही देखा जाए। कहा जा रहा है कि डोवर जल संधि यूके फ्रांस के बीच, ये सत्य है। डेविस जल संधि कनाडा ग्रीनलैंड के बीच, ये भी सत्य है। और फ्लोरिडा जल संधि यूएसए क्यूबा के बीच, ये भी सत्य है। और बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच, ये भी सत्य है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी सुमेलित ही है। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह था। अगला सवाल है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? बता दें कि भगत सिंह को सुखदेव राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, और इसका जो है स्मारक जो है ये है फिरोजपुर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुआ था? तो प्रथम बार जो आचार्य विनोबा भावे 1930 के नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुआ था, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो बिहार के जो शासक ने भाग लिया था वो था शक्र सिंह। अगला सवाल है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में जो नियुक्त किया गया था यह था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। अगले प्रश्न को देखा जाए, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन 1894 में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था पटना में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था किसने गठन किया था? तो फुलवारी शरीफ में जो है यानी असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान इमारत सरिया नामक संस्था जो गठित किया गया था, तो यह था मौलाना सज्जाद। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध था शिक्षा का विकास करना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो इसलिए ये गलत था। और फिर गांधीवादी योजना 1944 यह सत्य है, और जन आय योजना ये 1950 में नहीं बल्कि 1945 में शुरू की गई थी, इसलिए ये भी गलत है। और बॉम्बे प्लान 1944 यह सत्य है। तो आपका आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि दो विकल्प सही और दो विकल्प गलत हैं। अगला सवाल है, आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता। अगला सवाल है, भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 बेतिया बिहार में लगाया गया था, यह कथन सत्य है। और फिर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य हैं, तो महाराष्ट्र नहीं है बल्कि ये उत्तर प्रदेश हैं, यूपी हैं, इसलिए यह गलत है। और वर्तमान में ब्राज़ील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है, ये बात सत्य है। तो कहा जा रहा है कि इसमें औसत कथन की पहचान करना है, तो औसत जो है केवल व केवल बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न देखें, वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में? तो वन आवरण में सबसे अधिक जो देखा जाए तो वो हो जाएगा कैमूर, फिर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई। सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई।
इस प्रकार से आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है? बता दें कि झारखंड से बिहार का 8 जिला सटा हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश से भी बिहार का 8 जिला सटा हुआ है, नेपाल से बिहार का 7 जिला सटा हुआ है और वेस्ट बंगाल से बिहार का 3 जिला सटा हुआ है। तो झारखंड से जो है 8 जिला सटा हुआ है बिहार का, जिनमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, ये सभी के सभी हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित पर विचार करना है और कहा जा रहा है कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त तो होती है, ये बात सत्य है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ये भी कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल है, भारत के बजटरी इतिहास के भारत के बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो ब्लैक बजट जो कहा जाता है ये 1973 के जो है बजट के। अगला सवाल को देखें, चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत तो वैसे व्यक्ति आते हैं, तो चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत जो है वैसे व्यक्ति आते हैं जो कि लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते हैं, लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन आते होते हैं, तो वह चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष देश पर जो है, यानी शीर्ष उत्पादक देश तो यह है USA। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ABC सूचकांक का संबंध ये जो है स्वास्थ्य से है। अगले प्रश्न को देखा जाए, 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कतई इनमें से कौन सा फसल शामिल नहीं है? खाद्यान्न भी है, तिलहन भी है, बागवानी भी है और वाणिज्यिक फसल भी है, यानी ये सभी के सभी फसल हैं ही। तो नहीं हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी इसके अंतर्गत ही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इनमें से कौन सा रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं किया जाता है? तो ज़रा देखते हैं, कहा जा रहा है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट। तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ही पेश किया जाता है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ये गलत है। और वर्ल्ड बेज रिपोर्ट ये ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ही जारी किया जाता है। आंसर यानी ये भी सत्य है, तो बी जो है आपका गलत है। अगला सवाल है, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है 16,134.39 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रस्तावित किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो मानव शरीर में जो है धीमी वृद्धि ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण होता है? तो मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण निस्तारण से भी, निष्पावन से भी, निस्यंदन से भी और थ्रेसिंग से भी, यानी इनमें से सभी प्रकारों से किया जा सकता है। आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जरा देखा जाए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो केरेटिन प्रोटीन ये सत्य है। फिर उसके बाद देखें तो एड्रीनेलिन एंजाइम है, ये एंजाइम नहीं है बल्कि ये एक ग्रंथि है, तो इसलिए ये गलत है, ग्रंथि है, फिर इससे हार्मोन निकलता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ये सत्य है, और सैक्रिन कृत्रिम मिठास के लिए ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी के पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण तो ये होगा तना वाले भाग में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? तो ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट।
अगले प्रश्न को देखा जाए, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो जल प्रभावी नहीं रहता, इसका कारण देखा जाए तो यही कारण है कि जल व पेट्रोल जो है वह घुलनशील होते हैं एक दूसरे में, जिस कारण से पेट्रोल जो है जल के ऊपर परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता है, यानी ऊपर जल के ऊपर आ जाता है फिर जलने लगता है। अगला सवाल है, सूची एक सूची दो के साथ मैचिंग कराना है। आपको पता है कि फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है, और फिर लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता, और ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखा जाए, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो एलपीजी में जो है ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, तो एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, तो यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो यह परत जो बनी होती है तो यह होती है मेलामाइन का। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो ऑर्गेकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को जो है व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो जीन को लिया जाएगा व्यक्ति के कोशिका वाले भाग से। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो मदद करता है तो ये लोह के ऑक्सीकरण की अवशोषण में। अगले प्रश्नों को देखें, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण हो जाएगा रेडोन गैस। अगले प्रश्नों को देखें, धब्बा रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? तो ये धातु हो जाएगी क्रोमियम। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है? तो ये एड्रिनल हार्मोन को जाना जाता है लरो और उरो के नाम से। अगला सवाल, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है और इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जबकि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है तो वो हो जाता है अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो शामिल देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड को किया गया है, ओजोन को किया गया है, अमोनिया को किया गया, जबकि CO2 को शामिल नहीं किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण जो है नहीं होगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी यह है अग्नाशय। अगले प्रश्न को देखा जाए, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांशतः जो है टूथपेस्ट में यह फ्लोराइड होता है। अगला सवाल है, रक्तवाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है किस कारण से? तो हेपेरिन नामक जो है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण से जो है रक्त में थक्का नहीं बन पाता है। अगला सवाल, क्रेब्स चक्र उत्पन्न होता है कहाँ पर? तो क्रेब्स चक्र उत्पन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति जो है ये होती है चतुष्फल की है, और ये बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, कार्बन प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? और प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, और कण सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। अगले प्रश्न को देखें, एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत हैं और उसके बीच खड़ा है, तो उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब होंगे? तो उस व्यक्ति के 5 प्रतिबिंब होंगे, क्योंकि 360 में अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में लगेगा, यह सम संख्या, और इससे एक माइनस होगा तो यानी कि 5 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक्सरे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किस प्रकार से? तो एक्सरे के वेधन क्षमता को जो आप कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें,
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के जो है लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और चालक के अनुपृष्ठ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगले प्रश्नों को देखा जाए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो सकल घरेलू उत्पाद का जो है राजकोषीय घाटा जो कि अनुमानित है, तो वह 3.8% राजस्व घाटा यानी सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है, यानी कि कर राजस्व के स्रोत पर विचार इस प्रकार से करना है कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है जाना है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा की बात होगी तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन सा अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में, तो माल एवं सेवा पर कर, फिर उसके बाद हो जाएगा निगम कर, फिर उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके बाद हो जाएगा सीमा शुल्क। अगले प्रश्नों को देखा जाने की आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा था? तो 2020-21 में तिलहन का उत्पादन भारत में 36.1 मिलियन टन रहा। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन किस राज्य में मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि है? तो मैंग्रोव वन की जो है सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में है? देखिए सर्वाधिक वृद्धि हुई है, मैंग्रोव वन तो सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में, यानी कि 2021 के वन रिपोर्ट में किस में वृद्धि हुई है ज़्यादा? तो वृद्धि ज़्यादा हुई है ओडिशा में। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का शुरुआत की गई? तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू किया गया था कहाँ पर? तो ये किया गया था बंगलुरु में, कर्नाटक के बंगलुरु में। अगला सवाल देखा जाए, भारत का पहला परागकण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगला सवाल, भारत की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश? तो भीम UPI को अपनाने वाला पहला देश भूटान। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की जो थीम रखी गई थी, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। अगला सवाल देखा जाए, होम इन द वर्ल्ड ये पुस्तक है, होम इन द वर्ल्ड, और इसके लेखक हैं अमर्त सेन। अगले प्रश्न को देखें, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह हैं अलका उपाध्याय। अगले प्रश्न को देखें, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश यह है थाईलैंड। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है उत्तराखंड, यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद को भी शामिल किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य की तय समय सीमा को घटाकर कितना निर्धारित किया? यानी कि पेट्रोल में 20% का जो है इथेनॉल मिश्रण किया जाएगा, यह कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2025 तक में निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है, कथा है विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये समीर बनर्जी ने जीता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो शहरी डिजिटल मिशन जो आरंभ किया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, और फिर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया? तो ये धोलावीरा को जो है शामिल किया गया है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निपुण भारत अभियान
तो निपुण भारत अभियान ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है, भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, ये बात सत्य है। और 2019 की तुलना में वन आवरण में 0.22% का जो है वृद्धि किया है, तो इसलिए ये गलत था। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और सही, ये बात सही है। उसके बाद प्रतिशत में मिजोरम है, और वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ बल्कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, तो इसलिए जो है ये भी गलत है। यानी केवल ए और यानी एक और तीसरा विकल्प सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, एक और तीन सत्य है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की? तो इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा किया है, ये देश है तुर्की। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है, तो ताल ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये है फिलीपींस में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण तो ये हरियाणा में किया जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा के गुरुग्राम में किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो शीर्ष पर रहने वाले देशों की बात है तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और जबकि इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान 43वां हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया? तो राजस्थान के द्वारा चालू किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु समझौता किया है? ये देश है फिलीपींस। अगला सवाल है, जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये असम राज्य में किया गया था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया। तो ये जो है विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में की जा रही है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखा जाए, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था किस आधार पर? तो ये प्रांतों के जो है विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया गया था। अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, और सबसे बड़ा लिखित विश्व का संविधान तो वह है भारत का, सबसे बड़ा लिखित में भारत का और पहला लिखित में अमेरिका। अगला सवाल, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना किस में मिलती है? तो आर्थिक न्याय की वर्णन अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में भी है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बातों को कही गई है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि दो दो विकल्प ए और सी सही है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है, और यह 24 अप्रैल 1993 को इसे संवैधानिक मान्यता मिली थी, और इस प्रकार से संवैधानिक आधार पर जो है मान्यता के आधार पर प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश जिन्होंने पंचायती राज को शुरू किया। अगला सवाल, कथा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बता दें कि पंचायती राज की शिल्पी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। एलएम सिंधवी समिति 1986 में गठित हुआ था और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज को
संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। तो आपका राइट आंसर तो बी हो जाएगा, द्विस्तरीय अशोक राय मेहता समिति। अगला सवाल है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपको बता दें कि 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। वर्तमान में नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा जो है 8 पार्टियों को प्राप्त है, जिसमें एनसीपी है, एनपीपी है, एआईटीसी है और बीएसपी भी हैं, यानी ये सभी पार्टियां हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही बोले तो सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर हमें प्रस्थान करना है। तो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद गया, फिर पूर्वी चंपारण और फिर रोहतास। पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का नामांकन और 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है विधानसभा के द्वारा, और 1/12 सदस्य ग्रेजुएट व्यक्ति के द्वारा, और फिर 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय से उच्च शिक्षा में 3 वर्ष पूर्व से पढ़ा रहे टीचरों के द्वारा। अगला सवाल, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखा जाए तो कहा जा रहा है कि राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है, ये बात सत्य है, और वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये भी सत्य है। तो यानी कि इसमें कहा जा रहा है कौन गलत है, तो गलत एक भी नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, औसत की पहचान करना है। तो देखा जाए, समान नागरिक संहिता किस में है। तो समान नागरिक संहिता ये 44 अनुच्छेद में सत्य है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण 950 में सत्य है। और 49 में ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। 49 में है प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करना। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संगठन कार्य का काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, न कि 40 में। और समान कार्य के लिए समान वेतन यह अनुच्छेद 39 के डी में है, तो इसलिए यह 45 अनुच्छेद में तो है। 0 से 6 वर्ष के नीचे के बच्चे के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, इसलिए जो है आपका गलत, यानी कि औसत कौन कौन सा है। तो औसत जो आपका ये 3, 4, 5 विकल्प नंबर सी में है। अगले प्रश्न को देखें, कथा गंगा की निम्न सहायक नदियों पर विचार करना है, और विचार इस प्रकार से करना है, कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का यानी अनुक्रम में सजाना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा कोसी, फिर गंडक, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, 2, 1, 3, 4, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। अगला सवाल देखें, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 126वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन विधेयक जो हुआ था, यह हुआ था 104वां संविधान संशोधन से, जो कि एससी एसटी के आरक्षण को जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा के 2030 ईस्वी तक कर दिया गया। और इसी के अधीन जो है आंग्ल भारतीय व्यक्ति को जो है जो लोकसभा में मनोनीत किया जाता था अनुच्छेद 331, और विधानसभा में मनोनीत किया जाता था आंग्ल भारतीय को 333 के तहत, इन दोनों को जो है ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ए और बी से संबंधित है, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ। तो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, और इसमें प्रथम बार में यानी कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कलबुर्गी यानी कुलगार्डी और कुलबार्गी, ये सब जो है कोयला के खनन क्षेत्र जो है ये
ये जो है स्वर्ण उत्पादक यानी कि सोने के खनन है ऑस्ट्रेलिया में, स्वर्ण उत्पादन ये खनन है ऑस्ट्रेलिया के कुलगार्ली और कालगोर्डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम की है, पूर्व से पश्चिम बोले तो सूर्य की दिशा की, और इनकी सूर्य के साथ घूमने वाले हैं शुक्र और अरुण, बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं लेपली, प्यूमिस, अस्कोरिया और टफ, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, गलत कथनों की पहचान करना है, तो पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज ये सत्य है, कुमायूं हिमालय, सतलज तीस्ता ये गलत है, सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय इसलिए ये गलत था, और नेपाल हिमालय काली तीस्ता और असम हिमालय तीस्ता दिहंग ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए, काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो काराकोरम दर्रा ये अवस्थित है लद्दाख में। अगले प्रश्न को देखा जाए, मैचिंग कराना है सूची एक सूची दो के साथ, यानी कि एक तरफ से संबंधित क्षेत्र को मैचिंग कराना है, तो आपका जो है इस प्रकार से होगा, जैसे हिमानी, तो हिमानी जो है किन क्षेत्रों में बनता है, तो हिमानी हो जाएगा एस्कर, उसके बाद जो है नदी, तो नदी भी आकार की घाटी बनाती है, और पवन, तो पवन जो है ये जुगेन बनाता है, और सागर तट जो है पुलिन बनाता है, सागर तट पुनीम। अगला सवाल को देखा जाए, भारत के निम्नलिखित भागों में से दर्बेरियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, तो दर्बेरियन ये जो है दक्षिण भारत में संकेंद्रित है यानी कि रहते हैं। अगला सवाल, डिएगो गार्सिया, तो डिएगो गार्सिया द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से अग्रणी देश कौन है, यानी कि कोयला भंडार किन के पास जो है, अमेरिका के पास सर्वाधिक है। अगले प्रश्न को देखें, मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, तो सबसे अधिक मूंगा रेशम भारत के असम राज्य में होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित स्थानीय पवनों के संबंध में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है यानी कि गलत है, तो गलत कथनों में देखा जाए कौन सा गलत है, तो कहा जा रहा है कि ब्लिजर्ड, तो ब्लिजर्ड जो है ये साइबेरिया और यूएसए, साइबेरिया क्षेत्र यूएसए और कनाडा में है, ये बात सत्य है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक फील्डर ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी बात सत्य है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि चिनुक, चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल कहा जा रहा है कि चिली अर्जेंटीना, ये गलत है, मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस के बीच है, स्पेन एवं फ्रांस के बीच है, इसलिए ये गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखें, भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जो है राज्य वो है गुजरात, यहीं पर आर्द्र भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, तो उनमें से कौन सा ये रिजर्व है, तो ये रिजर्व है नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व भी है। अगले प्रश्न को देखा जाए, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1985 में। अगले प्रश्न को देखा जाए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया, तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस दर्रा से होकर मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा कर पर्यटक करते हैं, तो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी, तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा, ये सभी के बीच हैं, तो सभी से करते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी दर्रा जो है उत्तराखंड में है और जो कुछ कुमायूं हिमालय के हिस्से हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।